नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीतापुर देख रहा है। तो आज बात होगी पांच उन तस्वीरों की जो महिलाओं से संबंधित हैं। सीता की नगरी में महिलाओं को कदम कदम पर तिरस्कृत और प्रताड़ित होना पड़ रहा है। यह हालात तब हैं जब सीतापुर की प्रभारी मंत्री की बागडोर एक महिला के हाथ में है। यह महिला प्रभारी मंत्री स्वाति सिंह भी एक बसपा नेता द्वारा अपनी बेटी पर तल्ख टिप्पणी का बेबाकी से जवाब देने को लेकर सुर्खियों में आई थी। माना जा रहा था कि बेटियों और महिलाओं के सम्मान को लेकर स्वाति सिंह संजीदगी से काम करेंगी, लेकिन अफसोस कि मंत्री बनने के बाद जिस जिले का उन्हें प्रभारी बनाया गया, उस जनपद में ही महिलाओं का सम्मान हाशिए पर नजर आ रहा है। तो तस्वीर में सबसे पहली बात उस महिला की जो फर्ज के साथ थाम रखी है ममता की डोर को। शहर कोतवाली में तैनात इस महिला दारोगा ने फर्ज के साथ ममता की डोर भी पूरी जिम्मेदारी से थाम रखी है। इस महिला दारोगा का बेटा अभी मासूम है, इसलिए उसे घर में भी नहीं छोड़ सकती। ड्यूटी भी जरूरी है या दोहरी जिम्मेदारी कंधों पर आने से भी इस महिला दारोगा के इरादे फिर भी नहीं डिगे। पूरे जज्बे से बखूबी दोहरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। दूसरी तस्वीर में बात होगी संवेदनहीन शिक्षा विभाग की। सीतापुर में शिक्षा विभाग की संवेदनहीनता सामने आई है। सर्दी के सीजन में आधी रात को एक गर्भवती शिक्षिका रिलीविंग लेटर के लिए बीएसए ऑफिस के सामने भटकती रही, लेकिन उसकी हालत देखकर भी महकमे के किसी अधिकारी व किसी कर्मचारी का दिल नहीं पसीजा। संवेदनहीनता की हद तो तब हो गई जब रिलीविंग लेटर जारी करना तो दूर, जिम्मेदारों ने ऑफिस का गेट भी बंद कर लिया और गर्भवती महिला शिक्षिका को मजबूरी में आधी रात को खुले आसमान के नीचे खड़े रहना पड़ा। तीसरी तस्वीर में बात जब महिला शिक्षिका को उठानी पड़ी शर्मिंदगी की। स्वच्छता मुहिम चलाकर सरकार खुले में शौच को पूरी तरह से रोकने के भरसक प्रयास कर रही है, लेकिन सरकारी कारिंदों की कारगुजारियां ही इस मुहिम की राह का रोड़ा बनती दिखाई दे रही हैं। दरअसल रिलीविंग लेटर पाने के इंतजार में कई घंटों से बीएसए ऑफिस के सामने मौजूद एक महिला शिक्षिका को बाथरूम जाना था। वह बीएसए ऑफिस का प्रसाधन उपयोग करना चाहती थी, लेकिन जिम्मेदारों ने मेन गेट में ताला जड़ दिया। काफी मनुहार के बाद भी जब जिम्मेदार नहीं माने तो महिला शिक्षिका को शर्मिंदगी उठाते हुए मजबूरन खुले में जाना पड़ा। चौथी तस्वीर में बात हवा हवाई नजर आए महिला सुरक्षा के दावे की। महिला सुरक्षा को लेकर शासन व प्रशासन दावे तो बहुतेरे कर रहा है, लेकिन असल में सीतापुर के अफसर महिला सुरक्षा को लेकर कितना संजीदा हैं, इसकी वानगी रिलीविंग लेटर पाने के लिए बीएसए ऑफिस के सामने शिक्षकों द्वारा किया गया धरना है। इस धरने में अपने मासूम बच्चों के साथ शिक्षिकाएं भी शामिल थीं। पूरी रात शिक्षिकाएं धरने पर बैठी रहीं, लेकिन उनकी सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया। रात में कोई अनहोनी भी
हो सकती थी, क्योंकि इस जिले में जब दिन दहाड़े स्कूल से घर वापस जा रही शिक्षिका से रेप का प्रयास किया जा सकता है, तो रात में बिना किसी सुरक्षा के शिक्षिकाओं को भला कैसे महफूज माना जा सकता है। पांचवीं तस्वीर में बात बेटा नहीं हुआ तो पति ने छोड़ दिया। जी हां, तीन संतानों में एक भी बेटा नहीं हुआ तो पति ने बेटियों समेत पत्नी को घर से निकाल दिया। पति से तिरस्कृत महिला इंसाफ पाने को पिछले एक साल से अफसरों की चौखट पर दस्तक दे रही है, लेकिन बेटियों और महिलाओं के हितों को लेकर संजीदा सरकार की नौकरशाही महिला उत्पीड़न के मामले में गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। महिलाओं की शिकायतें सुनने आई राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल से भी पीड़ित ने न्याय मांगा, लेकिन आश्वासन के सिवाय यहां से भी कुछ उसे हासिल नहीं हो सका। तो यह था हमारा खास कार्यक्रम। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह पांच नई तस्वीरों के साथ, और बात होगी सीतापुर देख रहा है कि। देखते रहिए आई इंडिया, तब तक दीजिए हमें इजाजत। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।